हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिया हियर। हाजिर हो गई हूँ फिर से एक नए एपिसोड के साथ घर घर सीरीज़ का। और आज के एपिसोड में हम बहुत ही एक प्यारा सा किड्स रूम मेकओवर करने वाले। किड्स रूम है लेकिन आइडियाज़ बहुत धासु धासु देने वाली हूँ, जो आप बेडरूम, लिविंग रूम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा आइडियाज़ कैसा पसंद आ रहा है। ओके गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो देन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको अभी दिख जाएगा ये रूल्स से आपको बहुत ही इजी है, फॉलो करना है। हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स और अप्लाई कर दीजिए घर घर से, इसमें अभी पार्टिसिपेट कर लीजिए। मुझे फटाफट से आपके घर का जो भी आपको एरिया चाहिए मेकओवर करना मुझे भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे गिव अवे भी आ रहा है, देन डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट गाइस। जो भी विनर होगा उनको मिलेगा मेरी तरफ से फ्री एक रूम का मेकओवर। राइट, मैं खुद अपने बजट से आप लोगों के घर का मेकओवर करके दूंगी, ठीक है? तो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज तक यूट्यूब में ऐसा नहीं हुआ है, मैं कर रही हूँ, सो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऑल राइट, विदाउट फर्दर डू जस्ट लेट्स जंप टू दिस वीडियो। को पता है कि मैं हमेशा बजट में ही यू नो आइडियाज़ देती हूँ ये। तो सबसे पहले उनका मेल देख लेते हैं। चंद्रा मैम ने मुझे बुलाया है कि दिस इज़ माई किड्स रूम, प्लीज़ गाइड मी विद द इंटीरियर, आई वुड श्योरली सेंड आफ्टर रिजल्ट, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच चंद्रा मैम, आप इतना बिलीव करते हैं मेरे पे, मेरे आइडियाज़ पे। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड सो चलिए अभी देख लेते हैं पिक्चर्स पहले गाइज। तो गाइस सबसे पहले ये देख लेते हैं उनका रूम। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आइडिया दे देंगे एंड द रूम इज़ प्रिटी गुड टू गो। वाओ, वेरी नाइस। तो ये आप देख रहे हो जहाँ पे टेबल है, ये उनका बेटे का स्टडी टेबल है। तो यहाँ पे उन्होंने स्टडी यूनिट रखा हुआ है। अच्छा, और साइड में एक अलमारी पैटर्न का है ओपन, ओके, विंडोज़ के सामने। सो स्वीट, यू हैव ट्राइड सो हार्ड टू डेकोरेट, आई एम हियर, डोंट वरी, मैं आपको अभी ब्रिलियंट सॉल्यूशंस दे देती हूँ। आपने एफर्ट डाला है, घर देख के ही पता चल रहा है। मूवमेंट इज परफेक्ट। ये जो टेबल है स्टडी टेबल, उसे हमेशा विंडो के सामने रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आती है। और जो ये अलमारी टाइप आपने बनाया हुआ ना ओपन बच्चों के लिए रखने वाला, बहुत प्यारा है। इसे आपको जहाँ पे अभी टेबल है वहाँ पे शिफ्ट करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम कर्टेंस का जो है ना थोड़ा देख लेते हैं। कर्टेंस, अगर आप मुझे बोल रहे हो कि ये किड्स रूम है और आपका बेटा है, तो सबसे पहले आपका थीम मैं दूंगी। अगर आपके बेटे को कार पसंद है, कार्स का शौक है, या फिर अगर आपके बेटे को सुपरमैन, बैटमैन, कोई भी चीज़ उसे ज़्यादा पसंद है, तो आप उस थीम को लेके चलेंगे। मतलब कहने का मतलब है आप एक काम करेंगे, जो कर्टन्स है ना वो एकदम सुपरमैन थीम वाला लगाएंगे, कलरफुल। बच्चों का रूम ना बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जो रूम आप जितना मतलब फन बनाओगे बच्चों के लिए उतना ही अच्छा रहता है। आप क्या करेंगे, इस प्रकार का कर्टन्स जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको यहाँ पे कर्टेंस आपको डालना है, चेंज करना है सॉफ्ट फर्निशिंग। बेड कवर है ना, इतना बोरिंग नहीं लगाना है, ठीक है? बड़ों की मेंटालिटी से नहीं चलेगा, जो कि आपने मुझे बोला ये किड्स रूम भी है। तो बेड कवर क्या है, आपको एकदम गाड़ी वाला लगाना है इस पैटर्न का, या फिर लूडो वगैरह का, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ ऑप्शंस दे दे रही हूँ, इस तरह का आपको बेड कवर लगाना है। तो इंस्टेंटली लिफ्ट हो जा रहा है आपका रूम, ठीक है? जो लुक्स है ना वो बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा बस कर्टेंस और ये लगाने से ना। दैट थिंकिंग में जब भी कोई आएगा, वाओ दिस इज़ बेबीज़ रूम, मतलब बच्चों का रूम है, किड्स रूम। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो टेबल पे के ऊपर साइड में जो आपने वो ग्रीन जो हैंगिंग किया हुआ ना, आप वहाँ से वो सब हटा दीजिए। आप हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपके पास आपके बेटे का ज़रूर कोई फेवरेट कार या फिर कोई फेवरेट टॉय होगा, है ना? तो इस वॉल पे आपको यहाँ पे ये टॉयज़ ये सब हटा के टॉयज़ को ना वो एक्टिविटी भी कर सकते हैं, या आप अपने बेटे से भी करवा सकते हो, तो उसका ये बहुत ही फन एक्टिविटी हो जाएगा और उसे बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है? इससे जो है ना वो आपके बेटे का जो मोटर स्किल्स है और अच्छा हो जाएगा। आप उसको दीजिएगा कि बेटा तुम्हारा जो भी फेवरेट टॉयज़ है, जो भी है कार्स है वगैरह एनीथिंग, उसमें वो क्या करेगा, ये जो डबल साइडेड टेप रहता है ना, ज़्यादा हैवी टॉय मत लीजिएगा नहीं तो लगेगा नहीं, रखेगा वहाँ पे चिपकेगा नहीं। डबल साइडेड टेप लेके ठीक इसी जगह पे कलरफुल कर देना एकदम, उसको जो भी पसंद हो फ्रीली दे दो आप, कि बेटा आप कीजिए, आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पे लगाइए। एक एक्टिविटी हो जाएगा और उससे अच्छा भी लगेगा और बहुत ही प्यारा दिखेगा, एक होम डेकोर भी हो जाएगा, बहुत ही यूनिक। नेक्स्ट ये जो अभी अलमारी आपने जो ये कबर्ड काइंड ऑफ बनाया ना, ओपन कबर्ड, बहुत ही प्यारा है। इसमें आप थोड़ा सेग्रीगेट कीजिए, इसमें करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक वॉलपेपर लगा सकते हो किड्स रिलेटेड, बॉयज का जो अच्छा लगता है, जो अगेन आई विल से अगर वो सुपरमैन उसको पसंद है, बैटमैन पसंद है, जो भी पसंद हो, एनी सुपर हीरो ही लाइक्स, और एनी कार कुछ स्पेशल अगर पसंद है
तो वो इसको वॉलपेपरिंग कर दीजिए और ऊपर में कोशिश कीजिए कि क्लीन रहे पूरा, कुछ भी अगड़म बगड़म चीज़ ना हो। और डेकोरेट कर दीजिए, बुक्स रखिए वहाँ पे, एक एक शेल्फ़ पे बुक्स रखिए, एक बॉक्स जो कॉर्नर है उसमें, एक में कुछ उसके फेवरेट टॉयज़ रख दीजिए, एक में एक्टिविटीज़ का जो स्पोर्ट्स गेम्स का जो चीज़ होता है वो रख दीजिए, और अगर आपका बेटा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट को आप वॉल पे डिस्प्ले कर सकते हो, क्रिकेट बैट को, बॉल को। बॉक्सिंग करता है तो विंडो में आप बॉक्सिंग ग्लव्स लगा के हैंग कर सकते हो, इस तरह से कीजिए। और बाकी आपका रूम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, गेट करके रखिए, क्लीन कीजिए। ये जो फोटो वगैरह है ना, आपने फोटो जो वॉल पे लगा हुआ है इसको वहाँ से हटा के इस तरह से इधर उधर करके नहीं रखना है आपको। ये जो एक स्टिकर है ना, एक लड़की का जो ये स्टिकर है, माइंड मत कीजिएगा, आप ये स्टिकर को रिमूव कर दीजिए वहाँ से और उस वॉल पे एक बढ़िया सा पेंट कर दीजिए, मे बी इंडिगो कलर, एक इंडिगो कलर का पेंट कीजिए और वहाँ पे आप सैटर्न, मार्स, यूरेनस, जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका जो रेडियम वाला फीचर, मतलब 10 रुपये में 15 रुपये में कोई भी मेला में मिल जाएगा, फिर कोई भी छोटे से दुकान में मिल जाएगा आपको, उससे उसको दीजिए, उसको प्लेस करने दीजिए, स्टार्स वगैरह, मून वगैरह, ऑल द प्लैनेट्स, वट एवर इट इज़, वो अगर यू करेगा उसको भी इंटरेस्ट आएगा अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ करने में। लड़कों को भी सीखना चाहिए रूम ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको सीखना चाहिए, और इससे क्या होता है हमारी डेली लाइफ जो है ना बहुत ईजी हो जाती है, और जो हमारा लक्ष्य है ना, अपना गोल बहुत अच्छा सेट होता है, और बच्चे बहुत अच्छे अपब्रिंगिंग उनको मिलती है, फ्यूचर में वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं बहुत जल्दी। ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही करना चाहिए, लड़कों को भी हर काम सीखना चाहिए, और ये हम माओ जो लड़कों के माँ है, मैं भी अपनी बेटी की माँ, मतलब अभी से मैं कोशिश करती हूँ उसे सेल्फ डिपेंडेंट करना, ठीक है। तो आप भी ज़रूर कीजिए, उसी के फ्यूचर में हेल्प है, क्योंकि आज के बच्चे अब्रॉड जाएंगे पढ़ने, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो कोई होगा नहीं कि बेटा ये ले लो वो लो, तो अभी से यू नो अपब्रिंगिंग वैसा दीजिए कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो कहने का मतलब है उसे खुद एक्टिविटी करने दीजिए, उसके रूम का उसे करने दीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये पिक्चर्स को आप हटा के ये जगह जो है आपके ड्रेसिंग टेबल के साइड में जो विंडो कर्टेंस के जो बीच में जो जगह है ना, यहाँ पे आप पूरे इस जगह को एक फ़ोटो फ्रेम वाली, मतलब क्या बोलो, मेमोरी वॉल जो होता है वैसा कर सकते हो। बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, उसका सारा जो आपके फेवरेट पिक्चर्स है उसके हैं, आप लोग वहाँ पे बस प्रेस अप करके लगा दी। फ्रेम्स अवेलेबल है आजकल बिल्कुल इजीली, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू, और जितना भी हो सके डीक्लटर्ड करें, क्लटर्ड नहीं रखें, इससे बच्चों के कंसंट्रेशन पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वास्तु के हिसाब से ऐसा क्लीन रखिए, और जो भी किताब वगैरह ख़त्म हो गया है, वो मतलब कॉपीज़ अगर लिख के ख़त्म हो चुके हैं, देन डू नॉट कीप इट, कीप इट क्लीन, दैट्स ऑल। ये इजी है, ये वास्तु क्योंकि साइंटिफिक, एक्चुअली वास्तु इज साइंटिफिक, सो या दैट्स ऑल यू नीड टू डू। मैम आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड फील कर रहे हो आप, आपने मुझे बताया कि यू विल श्योरली सेंड मी द आफ्टर पिक्चर्स, सो आई विल एगरली वेटिंग। आपने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर आपने मुझे किया, यू फॉलोड द रूल्स एंड पार्टिसिपेटिंग, सो आई विल वेटिंग फॉर द पिक्चर्स ऑल्सो, माई व्यूअर्स विल ऑल्सो भी वेटिंग फॉर द पिक्चर्स आई एम श्योर। एंड अगर आप लोग मुझे नए देख रहे हो मेरे चैनल पर, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ज़रूर से मुझे जीमेल पर भेज दीजिए आपके घर का फोटोज़, और क्या आप चाहते हो बेसिकली वो ज़रा क्लियरली मुझे बता दीजिएगा। वीडियो भेजिए, पिक्चर्स भेजिए क्लीन और शार्प। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। टाटा।